ज्यादातर लोगों को जो बीमारियां हो रही हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कैंसर, पीसीओडी, थायराइड, स्किन प्रॉब्लम और ऐसी ही बहुत सारी बीमारियां जिसके कारण हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसके तीन मुख्य कारण हैं। ये कारण कौन कौन से हैं ये बताएंगे डॉक्टर खादर वली। डॉक्टर खादर वली ने पिछले कई सालों की रिसर्च के आधार पर ये पता लगाया है कि हमारी ज्यादातर बीमारियों के ये तीन कारण क्यों हैं। आपने बताया कि माइक्रोबियल इम्बैलेंस हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, ग्लूकोज इम्बैलेंस होने के कारण ही ज्यादातर बीमारियां हो रही हैं। सब बीमारियां हो रही, उसमें आपको डायबिटीज हो गई, आपको हृदय रोग हो गया, बीपी हो गया, थायराइड प्रॉब्लम हो गई, सीकेडी हो गई, कोरोना, ये सब। आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया जिसने आपको मोटिवेट किया कि छोटी बच्चियों को भी मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है बहुत कम उम्र में। बहुत कम नहीं है, 6 साल का उम्र में, 3 साल का उम्र में अभी हमको हॉस्पिटल्स में ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, सबको स्वास्थ्य देने का बेहद सस्ता और आसान नुस्खा बताएंगे डॉक्टर खादर वली जी। डॉक्टर खादर वली जी ने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि जो ज्यादातर बीमारियां हमें हो रही हैं, उसके केवल 3 कारण हैं और उनसे बचकर और बेहद सस्ती चीजों से हम सब लोग अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, बीमारियों से बचाया जा सकता है, लाइफस्टाइल डिजीज को रोका जा सकता है। पूरा इंटरव्यू जरूर सुनिए, बेहद आसान चीजें हैं, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर खादर वली, ज्यादातर बीमारियों का इस वीडियो में जो कारण बता रहे हैं, वो जानने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी डॉक्टर खादर वली के बारे में देते हैं ताकि आपको पता चले कि जो ये कह रहे हैं उनके पीछे इनकी गहरी रिसर्च है और उसका साइंटिफिक आधार है। डॉक्टर खादर वली को मिलेट मैन कहा जाता है। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्होंने MSc करने के बाद देश के टॉप इंस्टीट्यूट से PhD किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, ये बेंगलोर में स्थित है। इन्होंने स्टीरॉयड में PhD की और इसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए USA के ओरेगन चले गए। अमेरिका में इनकी पोस्ट डॉक्टरेट खतरनाक केमिकल के असर को कम करने के बारे में थी। पोस्ट डॉक्टरेट करने के बाद इन्होंने सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में काम किया और इसके बाद अमेरिका की डुपोंट कंपनी में काम करने चले गए। 5 साल डुपोंट कंपनी में काम करने के बाद 1997 में ये भारत लौट आए क्योंकि ये भारत में कुछ बेहतर करना चाहते थे। पिछले 25 सालों से ये खान पान पर रिसर्च कर रहे हैं। इनकी रिसर्च में 3 मुख्य बातें निकल कर आई हैं जो हमें बहुत ज्यादा बीमार कर रही हैं। वही बातें डॉक्टर खादर वली आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि ज्यादातर लोग जिन बीमारियों से ग्रस्त हैं उसका कारण यदि पता चल जाएगा तो फिर हम बीमारियों से बच सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। आजकल जो बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही है, पहले तो आप दर्शकों को बताइए कि उसके मेन कारण क्या है। जी, 50 साल से बोल सकते हैं बहुत सारा इम्बैलेंसेस, असमतुलन हमारा आहार में जुड़ा रहे हैं। एक ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर हम ग्लूकोज इम्बैलेंस, ए पिष्ट का असमतुलन बना दिया है हमारा खून में, और ये श्वेत विप्लव, ये मिल्क वाइट रेवोल्यूशन के नाम पर हार्मोन इम्बैलेंस बना दिया है, और आने वाला ये प्रोटीन के ऊपर गिर के हम पिंक रेवोल्यूशन का बात कर रहे हैं, वो तो हमारा किडनीज का, नर नसयों का रोगों को, और हमारा माइक्रोब, गट माइक्रोब्स बोलते हैं, माइक्रोबियम, माइक्रोबियल इम्बैलेंस, सूक्ष्म जीव का असमतुलन, ये तीनों कारणों से हमारा बीमारियां बढ़ रहे हैं। लिस्ट हनुमान जैसा, ओ बाल का जैसा लंबी हो गए हैं, और इतना लंबी हो गया है हम खो बैठे हैं। क्या है ये स्वास्थ्य? आपने बताया कि माइक्रोबियल इम्बैलेंस हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, ग्लूकोज इम्बैलेंस, ग्लूकोज इम्बैलेंस होने के कारण ही ज्यादातर बीमारियां हो रही हैं। सब बीमारियां हो रही, उसमें आपको डायबिटीज हो गई, आपको हृदय रोग हो गया, बीपी हो गई, थायराइड प्रॉब्लम हो गई, सीकेडी हो गई, कोरोना, ये सब। आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया जिसने आपको मोटिवेट किया कि छोटी बच्चियों को भी मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है बहुत कम उम्र में। बहुत कम नहीं है, 6 साल का उम्र में, 3 साल का उम्र में अभी हमको हॉस्पिटल्स में ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है। तो इसका भी कारण, इसका आपने कारण हमारा दूध का इस्तेमाल करना, इतना बहुत खराब हुआ दूध, वो कृतक रूप में जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टेराइड भरा हुआ ये दूध पीने से हमारा हार्मोन इम्बैलेंस कट रही है। तो आपने बताया कि जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो दूध की वजह से है, दूध की वजह से, और जो माइक्रोबियल इम्बैलेंस है वो पिंक रेवोल्यूशन
वो प्रोटीन के लिए हम एक गोश्त खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, ये सब के जो प्रोटीन के अननेचुरल सोर्स हम ले रहे हैं उसके कारण माइक्रोबियल इंबैलेंस हो गया है। ग्लूकोज इंबैलेंस हमारा गेहूं और चावल चीनी से हो रहा है, चीनी गेहूं चावल से ग्लूकोज इंबैलेंस हो गया है। तीन फाइंडिंग्स हैं आपकी कि इसमें जो बीमारियों के मुख्य कारण हैं, तो ये दर्शकों को समझा दें कि जो तीन चीजों का कारण आपने बताया ग्लूकोज के लिए गेहूं चावल और चीनी, वो थोड़ा डिटेल बताएं कि इसके कारण क्या गड़बड़ है। कारण क्या है, गड़बड़ क्या है, हमारा खून में 5 ग्राम से ज्यादा ग्लूकोज होने से इम्बैलेंस हो जाता है। टोटल 5 ग्राम टोटल खून में 5 ग्राम होना है बस। आप क्या कर बैठे हैं, हम चावल सफेद चावल खाने से 100 ग्राम चावल खाने से हमारा खून में 50 ग्राम ग्लूकोज भर जाता है बाढ़ जैसा, और गेहूं खाने से 60 ग्राम जाता है और ज्यादा और डायरेक्ट चीनी खाने से और इसका अंदाज भी नहीं लग सकते हैं। इफ यू ईट 10 ग्राम्स आ जाता है। सो ये इम्बैलेंस है। ये आप एक लोटा कॉफी पिया है 10 ग्राम शक्कर डाल के, आपको 5 ग्राम चाहिए बस। 5 ग्राम हम खत्म करने के लिए 1 घंटे के पैदल शेयर करना है। 5 पराठा खाया तो कितने घंटे शेयर करना है? हाँ, 10 घंटे शेयर करना है, मतलब वो बर्न कर ले, बर्न करने के लिए। सो वो तो कोई नहीं कर रहा तो एक्सेस हो जाता है, तो उससे क्या दिक्कत? एक्सेस क्या हो जाता है, उसको कोलेस्ट्रॉल बनता है, ट्राइग्लिसराइड्स बनता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, फैट बनता है। ये सब काम हमको इमरजेंसी जैसा करना पड़ता है अंदर। ये आपसे मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का कारण बताया गया फैट। आप कह रहे हैं ग्लूकोज हाई होने से भी फैट बनता है। हाँ, फैट खाने से नहीं है, फैट नहीं खाने से भी। आप गेहूं खा रहे हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है, बीपी ज़्यादा होता है, सबका कारण ग्लूकोज इम्बैलेंस है। लीवर के थ्रू होता है ये इम्बैलेंस, लीवर काम करने में असफल होने से ये प्रॉब्लम होता है। तो लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा ग्लूकोज से काम करना स्लो हो जाता है लीवर को। वो क्या होता है, लीवर ये ज़्यादा हुआ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाता है, फैट बनाता है और सब काम भूल जाता है। ओके, ज्यादा ग्लूकोज हुआ तो लीवर दूसरे काम छोड़ देता है ये निभाने में हर तो उस चक्कर में इम्बैलेंस, वही है ग्लूकोज इम्बैलेंस। ये तो ग्लूकोज की बात हो गई, और ये ज्यादा ग्लूकोज इम्बैलेंस होने से खून पे ग्लूकोज जाके बिठाता है, वही है डायबिटीज। तो इस तरह से आपने बताया कि ग्लूकोज के कारण ये दिक्कत आई, ग्लूकोज ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और सही ढंग से नहीं ले रहे हैं। ग्लूकोज चाहिए लेकिन धीरे धीरे निगदित प्रमाण में। हमारा खून में मिलावट करने का तरीका हमारा दाना में होना है, वो काम हमारा मिलेट्स में बन जाता है। तो ग्लूकोज चाहिए लेकिन वो एक प्रॉपर तरीके से चाहिए टाइम पे। और गेहूं चावल एकदम से फ्लड कर चीनी खाए या मिठाई खाए या कुछ बढ़ाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, प्रॉपरली मिल नहीं पाता। दूसरा, हार्मोनल इम्बेलेंस की आपने बात की, तो दूध से कैसे हार्मोनल इम्बेलेंस होता है? ये हम आजकल पीने का दूध में स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा बन गया है, और गाय दूध देती है उसका बच्ची को सावधान से बड़ी करने के लिए। ओके, तो 6 महीने में इतना बड़ा होता है, हमारा बच्ची तो इतना ही होता है 6 महीने में। तो वो कंपोजिशन स्टेरॉइड्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू कंपोजिशन। डॉक्टर खादर अली जी का कहना है कि दूध जो है हार्मोनल इम्बेलेंस कर देता है, ये इनकी रिसर्च है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कई बार दूध का जिक्र आता है कि नेचुरल गाय का नेचुरल तरीके से खाना, लेकिन इनकी फाइंडिंग जो अब का जो दूध आ रहा है जिसमें वैसे ही दूध में हार्मोनल इम्बेलेंस हो गया, जो हमें दूध पीते हैं थैली पैकेट वाला दूध, वो तो वास्तव में इतना खराब है कि उससे अच्छा तो पानी पी लीजिए। ये आपकी पानी तो बहुत अच्छा है। दूध हो गया हार्मोनल इम्बेलेंस के लिए। अब तीसरी बात आती है माइक्रोबियल इम्बेलेंस। हम ये प्रोटीन के चक्कर में पड़ के सोयाबीन स्वीट कॉर्न बना के और घोष बन रहे हैं, वो चिकन हो, वो सुअर का हो, वो गाय का हो, वो उसमें हम क्या भर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स भर रहे हैं। वो खाने से हमारा माइक्रोब्स पेट के अंदर सहजीवन करने का, हमको भलाई करने का सूक्ष्म जीव को हम बिगाड़ रहे हैं, मर रहा है हमारा जो नेचुरल इम्यूनिटी बनाने वाला ये सही माइक्रोब्स हो, हम मरा रहे हैं। सो यही है माइक्रोबियल इम्बैलेंस होता है। सो आप प्रोटीन का चक्कर में पड़कर ज़्यादा घोष खाने का, ज़्यादा दूध पीने का, ज़्यादा अंडा खाने का, आजकल तो और एक रेवोल्यूशन लोग बात कर रहे हैं, ब्लू रेवोल्यूशन। वो ये मच्छी, दे आर गोइंग टू फीड यू फिश
इन द नेम ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी के नाम पे रब सब हो रहा है, हम एक के बाद एक इम्बैलेंसेस को हमारा शरीर में उगा रहे हैं। तीन मुख्य कारण डॉक्टर साहब ने बताए हैं कि हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं दूध के कारण, डॉक्टर साहब का कहना है, क्योंकि दूध वैसे भी एडल्ट्रेशन बहुत हो गई है दूध में। दूसरा कारण था हाई ग्लूकोज, ज्यादा ग्लूकोज डायरेक्टली हम ले रहे हैं वो अब्सॉर्ब हो नहीं पाती बॉडी में, उससे कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजें बढ़ रही हैं। और तीसरा माइक्रोबियल इम्बैलेंस, माइक्रोब्स हमारे पेट के अंदर ऑलरेडी होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन हाई प्रोटीन और स्टेरॉइड्स उनको मार रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं तो वो भी पेट में जा रहा है, वो माइक्रोब्स को मार रहा है, इन सब के चक्कर में बीमारियां बढ़ रही हैं। डॉक्टर खादर वली ने जो तीन कारण बताए हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक और कारण है जो बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है, और वो है फसलों में अत्यधिक रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का प्रयोग करना। ये पेस्टिसाइड हमारी थाली में पहुंच रहा है और फिर हमारे पेट में, इसके कारण लीवर, किडनी और तंत्रिका तंत्र कमजोर हो रहे हैं, पेट के अच्छे माइक्रोब्स मर रहे हैं और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसीलिए टेक्निकल फार्मिंग ऐसे किसानों को बढ़ावा दे रहा है जो केमिकल फ्री शुद्ध फसलें उगाते हैं। इनके ये उत्पाद सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए shuddfarm.com शुरू किया गया है, ताकि आपको ऐसे किसानों के केमिकल फ्री शुद्ध उत्पाद सीधे मिल सकें। अब डॉक्टर खादर वली से जानते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। इनका बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया है डॉक्टर साहब ने, ये सामने देखिए पांच अनाज हैं इन्हें, श्री धान्य आप कहते हैं, मैं ही नाम दिया हूँ श्री धान्य, क्या क्या है सर वैसे शॉर्ट में बता दीजिए। एक कोडो मिलेट, कोडो हो गया, बोलता है कुटकी हो गया है, और कंगनी हो गया है, और सावा हो गया है, और हरा सावा हो गया है, ये पांच अनाज। वैसे ज्यादा अनाज आप बताते हैं, 10-12 और हैं, लेकिन उन पे आपका काम चल रहा है, लेकिन मुख्य रूप से ये पांच मिलेट्स जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं। तो दोस्तों, हम डॉक्टर साहब के आगे भी आपको वीडियो दिखाएंगे कि इनके डिटेल में क्या क्या फायदे हैं। आज का वीडियो सिर्फ ये था कि खाने की बीमारियों की असली वजह क्या है, तीन वजह बताई है, तीनों को बिल्कुल बंद कर दे, क्या करना है डॉक्टर साहब ये और बता दीजिए। आपको खाद्य और अखाद्य का ये पट्टी आपको सही ढंग से ध्यान में आना चाहिए, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। वैसे शॉर्ट्स में बात करें तो चीनी छोड़ दीजिए, हाँ चीनी छोड़ दीजिए, गेहूँ छोड़ दीजिए, चावल छोड़ दीजिए, अंडा छोड़ दीजिए, ये सब खाने का लायक नहीं है। मीट भी छोड़ दीजिए, हाँ मीट भी छोड़ दीजिए, सोयाबीन और GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, स्वीट कॉर्न है, वो सब खाने का लायक नहीं है, वो जहर है, धीरे जहर कहला जाता है, वो स्लो पॉइजन है। आपने जो बताया इसको छोड़ दें, छोड़ और विकल्प के तौर पे, और हमारा पारंपरिक अनाज है ये पांच दाना खा लीजिए, सबका सब सब्जी हमारा अच्छा होता है, और फल मिला तो खा लीजिए, सबके लिए सस्टेनेबल होलिस्टिक वे में हमको खाना है और हर आदमी को खाना पहुंचना है, ये है सस्टेनेबल होलिस्टिक सॉवरिन फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन। जैसा डॉक्टर खादर वली ने बताया, गेहूं, चीनी, चावल, मिलावटी दूध, मीट, मांस, अंडा नहीं खाना है, लेकिन ये सब चीजें एकदम से सबके लिए छोड़ना संभव नहीं है। ऐसे में बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए धीरे धीरे गेहूं खाना कम करें, गेहूं के साथ चना मिलाकर आटा पिसवाएं, गेहूं के आटे को बिना छाने खाएं, और मौसम के हिसाब से देसी अनाज खाना शुरू करें, शुद्ध दूध मिले तो पिए, चीनी की जगह देसी खांड, गुड़ या शहद का प्रयोग करें, भरपूर सलाद और सब्जियां खाएं, और हो सके तो फल खाएं। और जैसा डॉक्टर खादर वली जी ने बताया, मिलेट्स और देसी मोटे अनाज को अपने भोजन में जरूर शामिल करें, और धीरे धीरे गेहूं को कम करते जाएं। ये मिलेट्स और देसी मोटे अनाज आपको shuddfarm.com पर मिल जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि मिलेट्स को कैसे पकाएं और किस तरह खाएं? इसके लिए हम टेक्निकल फार्मिंग पर कुछ ऐसे वीडियो और डालेंगे जिसे आपको पता चले कि मिलेट्स को कैसे पकाना है और कैसे खाना है। फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि ऐसा खाना जो सबके लिए उपलब्ध हो, इजीली उपलब्ध हो, और वो पोषण से भरपूर हो, तो पहले तो बताया कि अनाज जो हमारे परंपरागत अनाज थे वो खाएं, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है इसके बारे में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, अगर फ्रूट उपलब्ध है तो वो खा सकते हैं, सब्जियां उपलब्ध है वो खाइए। इनकी डिटेल आपको और कुछ वीडियो दिखाएंगे डॉक्टर साहब के, जिसमें आपको खाने के तरीके और भी डिटेलिंग में होंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, क्योंकि आपको बता दें डॉक्टर साहब साइंटिफिक तरीके से सारी चीजें बताते हैं, ऐसे बताने के लिए नहीं, इनकी रिसर्च है, तो जो भी कहेंगे वो अप्रूव्ड होगा, साइंटिफिकली प्रूव्ड होगा। वो तो धीरे धीरे
सब का सब तक यही बात पे आना ही है। हम 30 साल से बोल रहे हैं, अब धीरे धीरे से बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं मिलेट अच्छा है। आजकल तो हमारा प्रधानमंत्री आभार है उसके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात आई सब लोगों को वो पहुंच जाता है। सो पिछला 30 दिन से हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बात कर रहे हैं ये आहार भद्रता सिक्योरिटी फॉर फूड। हर आदमी के प्लेनेट पे यही काम कर सकता है, क्योंकि इसका रेंज 10 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, आगे भी ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।